मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। रोज हमें आधा घंटा मिलता है एक दूसरे से बातचीत करने का। इसी आधे घंटे के दौरान मेरी कोशिश रहती है कि आपकी हर मुश्किल सुलझा सकूं, हर चीज के बारे में, हर प्रोस्पेक्ट के बारे में आपसे बात कर सकूं। तो इसी तरह शुरुआत करते हैं आज के शो की हेडलाइंस के साथ। सामने वाले की आंखों को देखिए और पहचान लीजिए कि उनके मन में कितने राज छुपे हैं। तो इंसान पहचानने की खास ट्रिक बताऊंगी। आंखों के बाद महिलाओं और पुरुषों के होठों से पहचानिए कि उनकी शख्सियत कैसी है। खास तरीका मुझसे जानिए। वास्तु और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जानिए दक्षिण दिशा और आपके सौभाग्य का क्या कनेक्शन है। बेहद इंटरेस्टिंग जानकारी दूंगी। आपको अपडेट रखने वाली ब्यूटी टिप्स लेकर आई हूँ। अच्छा, आपके घर में किसी के होंठ सख्त होंगे, किसी के होंठ नरम होंगे, किसी के बड़े होंगे तो किसी के छोटे होंगे, किसी का अपर लिप अलग शेप का होगा तो लोअर लिप ज्यादा बड़ा होगा। आज आप घर के सभी लोगों के, आस पड़ोस के सभी लोगों की लिप्स को नोटिस कीजिएगा। क्यों? क्योंकि उससे इंसान को पहचानने की खास ट्रिक बताऊंगी, थोड़ी देर में बताऊंगी। लेकिन पहले बात करते हैं आंखों की। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो क्या देखते हैं उनकी शक्ल पे? सबसे पहले आप उनकी आंखें देखते हैं। जी हाँ, मैं आंखें इसलिए झपका रही हूँ कि आज आप अभी सिर्फ मेरी आंखों पर ध्यान दें, क्योंकि आंखों से रिलेटेड मैं आपको बहुत खास ट्रिक बताने वाली हूँ। तो आप पहले देखिएगा और फिर सोचिएगा कि मेरी आंखें किस तरह की हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस और स्ट्रांग होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं छोटी आंखों वाले लोगों की, जिनकी आंखें बहुत छोटी होती हैं। ट्रिक बताने वाली हूँ। तो आप पहले देखिएगा और फिर सोचिएगा कि मेरी आंखें किस तरह की हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस और स्ट्रांग होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं छोटी आंखों वाले लोगों की, जिनकी आंखें बहुत छोटी होती हैं। चेहरे के मुताबिक आंखें बहुत छोटी होती हैं। ऐसे लोग बहुत फोकस्ड होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि आमिर खान की आंखें छोटी हैं उनके चेहरे के मुकाबले। ऐसे लोग बहुत फोकस्ड होते हैं, बहुत प्रिसाइज होते हैं, बारीकी पर बहुत ध्यान देते हैं। अगर आप आमिर खान की मूवीज के बाद में रील ऑफ देखें या उनके इंटरव्यूज देखें तो आपको समझ आएगा कि वो हर चीज पर बारीकी पर बहुत ध्यान देते हैं। तो अगर आपके बच्चों की बारीक आंखें हैं तो आप भी बारीकियों पर बहुत ध्यान देते हैं। जो सीखना चाहते हैं सीख कर ही रहते हैं, यानी कि नई नई चीजें सीखना, नई नई चीजों में घुसना आपको पसंद है। स्ट्रेंजर्स से दूर रहना पसंद करते हैं ये लोग। इनको लोग ज्यादातर एरोगेंट समझते हैं, लेकिन ये एरोगेंट नहीं होते। ये बहुत जल्दी फ्रेंडशिप नहीं करते। ये अपनी लाइफ में, अपने क्लोज सर्कल में खुश होते हैं। जो इनके आसपास होते हैं उन्हीं के साथ इनको रहना पसंद होता है। तो छोटी आंखों वाले जब आप लोगों से देखें, उनसे बिजनेस डील करने जाएं, तो बारीक चीजों पर बात करें, बारीक चीजें नोटिस करें, वो आपसे फट से इम्प्रेस हो जाएंगे। अब बात करते हैं बड़ी आंखों की। छोटी आंखों की तो मैंने बताई, अब बड़ी आंखों की बात करते हैं। बड़ी आंखों वाले आप नोटिस करेंगे, जैसे सलमान है, ऐश्वर्या है, इनके चेहरे के मुकाबले इनकी आंखें बड़ी हैं। बड़ी का मतलब प्रोट्रूडिंग आईज नहीं होता। बड़ी का मतलब है कि आपकी आंखों को चेहरे पर इनफ स्पेस मिलनी चाहिए। तो अगर आपके जानकारों की आंखें बड़ी हैं, या आप जिनके साथ काम करना चाहते हैं, जिनको इम्प्रेस करना चाहते हैं, उनकी आंखें बड़ी हैं, तो उनके बारे में जानिए। बड़ी आंखों वाले लोग ओपन होते हैं, रिसेप्टिव होते हैं, बहुत पैशनेट होते हैं। इनके अंदर वार्मथ भरी होती है। मतलब अगर आपने इनको अप्रोच करना है, इनके दिल में जगह बनानी है, तो इमोशनल एस्पेक्ट को छेड़ दीजिए। बस अगर आप इनको इमोशनली अपने से जोड़ पाए तो ये आपके लिए कुछ भी कर देंगे। अब मैं आपको बताती हूँ एक और तरीके की आंखों के बारे में। हमने अभी बात करी छोटी आंखों की, हमने बात करी बड़ी आंखों की, अब हम बात करेंगे राउंड आईज की, गोल आंखों की। जिन लोगों की गोल आंखें होती हैं वो लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, जबरदस्त इमेजिनेशन होती है। मैंने आपको क्या सिखाया, आंख मतलब इमोशन। तो जब इमोशन गोल हो जाएगा तो वो क्रिएटिव हो जाएगा, ब्रह्मांड की तरह हो जाएगा, इमेजिनेशन स्ट्रांग हो जाएगी। अपनी दुनिया में खोए खोए रहने वाले लोग होते हैं। ये लोग थोड़े मूडी होते हैं और इम्प्रैक्टिकल होते हैं। क्यों होते हैं मूडी? इसलिए होते हैं मूडी क्योंकि चंद्रमा कैसा है, गोल, और आपके इमोशंस हो गए गोल, एक्सप्रेसिवनेस हो गई गोल। तो ऑब्वियसली बात है कि ये लोग मूडी होंगे, इम्प्रैक्टिकल होंगे। क्या आपके साथ ऐसा होता है? कभी कभी हमारे सबके साथ ऐसा हो जाता है कि जिसको हम बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, वो हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देते। लव का साइकिल ना कभी कभी ऐसे चलता है कि आप जिसको पसंद करते हैं वो किसी और को, और जिसको वो पसंद करते हैं वो किसी और को। तो इस तरह से कई बार ये चक्रव्यूह चलता है।
अगर आपकी भी ये सिचुएशन है तो इसको खत्म करने के उपाय बताऊंगी। कैसे? इसके लिए खास टिप्स लेकर आई हूँ, लेकिन पहले बात करेंगे आपके होठों की। जब होठों की बात होती है तो वो गाना याद आ जाता है कि होठों पर ऐसी बात मैं छुपा के चली आई। तो आज ये छुपी हुई बातें तो मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन जब हम होठों की बात करते हैं ना, तो अचानक हमारी आंखों के सामने खूबसूरत सी लड़की, सुंदर लाल होंठ, ऐसी पिक्चर आ जाती है। लेकिन कभी हम पुरुषों के होठों पर तो ध्यान ही नहीं देते, तो ये बात तो गलत है। तो अभी मैं आपको नॉर्मल लिप्स के बारे में बताऊंगी, पर शुरुआत करेंगे जेंट्स यानी कि पुरुषों के होठों से। तो अगर पुरुषों का ऊपर वाला होंठ मोटा हो, यानी कि नीचे वाले होंठ के कंपैरिजन में अपर लिप मोटा हो, तो ऐसे पुरुष भाग्यवान होते हैं, लकी होते हैं। और अगर ऊपर का होंठ ज्यादा बड़ा हो तो व्यक्ति डरपोक होता है, यानी कि अगर बराबर हो या थोड़ा सा बड़ा हो, स्पेस ज्यादा हो, तो वो लकी होगा। अगर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तो ऐसे लोग डरपोक होते हैं। ऊपर का होंठ अगर छोटा हो, मतलब आप समझ रहे हैं कि बहुत ज्यादा छोटा हो, थोड़ा छोटा तो जनरली होता ही है, लेकिन बिल्कुल पतला और छोटा हो अपर लिप और नीचे का बड़ा हो, तो ऐसे लोग भोग विलासी होते हैं। अगर आपके बॉस, आपके कुलीग ऐसे हैं, तो उनसे बचकर रहिए। ऊपर का होंठ बहुत छोटा हो तो जीवन में दुख देखना पड़ता है, यानी कि उसके पास जगह भी कम हो, उसकी लेंथ भी कम हो और उसके पास थिकनेस भी कम हो, तो ऐसे लोगों को जिंदगी में स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ता है। अब तो मैंने आपको पुरुषों के होठों के बारे में बताया, अब चलते हैं वापस फीमेल्स के लिप्स के ऊपर। तो अगर फीमेल्स के लिप्स जो हैं वो सूखे हैं, लंबे हैं और नीचे का लिप लटका हुआ हो, तो आप समझ जाइए कि ऐसी फीमेल को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा होगा, उसकी लाइफ कभी भी स्टेबल नहीं चली होगी। अगर लिप्स जो हैं वो मोटे हैं, ब्लैक हैं, तो ये कला का प्रतीक है। ये फीमेल जो है ये अपने हस्बैंड का बैंड बजा कर रखती है, यानी कि वाकई ही हस्बैंड को हंस हंस कर उसका बैंड बजाती है। तो आप समझ रहे हैं ना कि अगर ऐसी फीमेल दिख जाए तो शादी करने के लिए चार बार और सोचेगा। अगर फीमेल का ऊपर का होंठ सख्त है, यानी कि आपको एक उसमें स्टिफनेस दिख रही है और एक पैनापन लिए हुए है, यानी कि यहाँ पे एक शार्पनेस है, तो ऐसी फीमेल जो है वो क्रोधी स्वभाव की होगी, गुस्से वाली होगी। और अगर ऊपर के होठों पर रोम हो, यानी कि आपको ऐसे लगे कि यहाँ पर थोड़ी सी हेयर ग्रोथ ज्यादा है, तो ऐसी फीमेल अपने हस्बैंड के लिए लकी नहीं होती। जब आप किसी सफल व्यक्ति को देखें या अगर आप किसी की तरफ खींचे चले आ रहे हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो या मोदी जी हो, तो आप देखेंगे कि जब वो बोलते हैं ना तो बहुत मेस्मराइज करते हैं, हम एकदम एकटुक होकर देखने लगते हैं। तो सफल लोगों की बातचीत में क्या खास बात होती है, कैसे वो खासियत आप में आ सकती है, ये खास टिप्स आपको, आपके बच्चों को, आप सभी लोगों के लिए मैं कल लेकर आऊंगी। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने रिश्तों को कैसे बेहतर कर सकते हैं, ताकि जिनको आप चाहें वो बदले में आपको भी चाहें। तो रिलेशनशिप इम्प्रूव करने के लिए, अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये खास चीजें आज आपको मैं बताऊंगी, ताकि आप जिनको चाहें वो आपको भी बेहद चाहें। परिवार के सभी लोगों से रिलेशनशिप अच्छी हुई, ये हमारा प्राइम फोकस होना चाहिए। तो क्या करें, घर के जितने सदस्य हैं उससे ज्यादा मीठी रोटियां पकाएं और किसी भी जानवर को खिला दें। अगर आपके घर में आपके 5 मेंबर हैं तो आप 5 से ज्यादा 7, 8, 9 कितनी भी मीठी रोटी पका सकते हैं। मीठी रोटी में आप शक्कर का प्रयोग करेंगे, चीनी का प्रयोग नहीं करेंगे। ये मीठी रोटी चाहे आप आटा गूंदने में करें या रोटी के बीच रख के करें। ये मीठी रोटी पकाकर आप किसी भी जानवर को दे सकते हैं। जब हम जानवर की बात कर रहे हैं तो पशुओं की बात नहीं कर रहे हैं, तो आपको किसी भी एनिमल को देना है। आप काऊ को दे सकते हैं, डॉग को दे सकते हैं, बफलो को दे सकते हैं, किसी भी एनिमल को दे सकते हैं, और आपके परिवार के रिश्ते बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताई परिवार की बात। अगर परिवार में किसी एक खास व्यक्ति के साथ आपकी नहीं बनती है तो क्या करें, तो रविवार के दिन 7 लौंग ले लें, संडे को 7 लौंग ले लें, और 21 बार जिस व्यक्ति से नहीं बनती है उसका नाम लेकर उसके साथ रिलेशनशिप इम्प्रूव हो उसको करने की इच्छा जताएं। जैसे सपोज आपकी अपनी मदर इन लॉ से नहीं बनती, तो आप बोले कि मेरी अपनी मदर इन लॉ से बनने लगे, मेरी अपनी मदर इन लॉ से रिश्ते बेहतर हो गए हैं या हो रहे हैं। प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में बोलना है। अच्छा, जो लॉन्ग घुमानी है ना उसको क्लॉकवाइज घुमाना है। हमेशा मैं आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाती हूँ। जब किसी चीज को अपने से दूर करना होता है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, जब किसी चीज को अपने से करीब लाना होता है तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे। घुमाने के बाद आप एक एक करके 7
रवि मतलब आपने आपने फर्स्ट संडे की, आप जो संडे आ रहा है आपने उसको घुमाकर उस लौंग को जला दिया। लौंग को जलाने के बाद जो वो पाउडर है वो आप पौधे में डाल देंगे, घर में किसी पौधे में डाल देंगे, आप तुलसी में डाल सकते हैं, घर में किसी और प्लांट में डाल सकते हैं। ये आपको रेगुलर 7 संडेज करना है विदाउट अ स्किप। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ट्रैवल करते हुए भी कर सकते हैं, पाउडर को संभाल दें, घर वापस आकर उसी पौधे में डाल दें। ऐसा करने पर आपका रिलेशनशिप उस व्यक्ति के साथ इम्प्रूव हो जाएगा। अब मैं बात करती हूँ कुछ और खास रिश्तों की। अगर तो आप हैं बड़ी और आपकी अपनी बेटी से नहीं बनती है, आपकी अपनी ननन से नहीं बनती है, आपकी अपनी बुआ से नहीं बनती है, आपकी अपनी नहीं, ये मेल्स तो नहीं कर सकते लेकिन ट्राई कर सकते हैं, अगर आपकी अपनी साली से नहीं बनती है तो फिर आप क्या करेंगे? आप किसी न किसी बहाने से उनसे पैसे लेंगे। अगर तो आप फीमेल हैं तो उन पैसों की आप हरी चूड़ियां खरीदेंगे बुधवार के दिन और अपने हाथ में उस व्यक्ति के नाम की पहन लेंगे। बुआ, बहन, साली, साली तो खैर मेल्स की नहीं हो सकती, तो मेल्स क्या कर सकते हैं, हरे रंग का छल्ला अपनी लिटिल फिंगर में पहन सकते हैं साली के नाम का, या फिर अपनी बेटी। इन सब रिलेशनशिप्स के लिए अगर आप मेल हैं तो ग्रीन कलर का छल्ला पहने, फीमेल हैं तो उनसे पैसे लेकर हरे रंग की चूड़ियां पहने। ये करते ही आपके रिलेशनशिप उनसे बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। आपको तो लगता होगा कि आपके घर में 8 दिशाएं हैं, लेकिन आपके घर में एक्चुअली में 16 कोने होते हैं। कौन से होते हैं वो 16 कोने कभी आपको फुर्सत से बताऊंगी। आज मैं आपको बताती हूँ कि आपके घर का साउथ डायरेक्शन से क्या कनेक्शन है, साउथ और आपकी किस्मत का क्या कनेक्शन है, ये कनेक्शन आपको बताने जा रही हूँ। तो जरा ध्यान से मेरी बात सुनिए। आपके घर में दक्षिण दिशा का कनेक्शन होता है आपके फेम से, आपके यश से। आप जिंदगी में कितने रिलैक्स्ड हैं, कितना आपने अचीव किया है, ये सारी चीजें बताती है आपके घर की दक्षिण दिशा। तो यानी कि दक्षिण दिशा हमें स्टेबिलिटी भी देती है। तो दक्षिण दिशा को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, किन चीजों का ध्यान देना है आपको, ये सुनिए। बिल्डिंग का या प्लॉट का जो स्लोप है वो साउथ की तरफ होना चाहिए। साउथ एक्सटेंडेड हो या कटा हो तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं, यश अपयश में बदल जाता है। साउथ में बेसमेंट हो या फिर नॉर्थ में ज्यादा ओपन स्पेस हो, ये चीजें तो अच्छी मानी जाती है, लेकिन साउथ का बेसमेंट अगर बहुत ज्यादा गहरा हो तो लाइफ में स्ट्रगल ले आता है। साउथ में अंडरग्राउंड वाटर टैंक या जेट पंप हो, या फिर अगर आपके साउथ में स्विमिंग पूल हो तो पूरी की पूरी फैमिली आपकी खराब हो सकती है, बेकार हो सकती है। साउथ में स्लोप हो, मतलब अगर आपका साउथ गहरा है, नटशेल में समझिए, अगर आपका साउथ गहरा है, डीप है, यहाँ पे पानी का कनेक्शन है, क्योंकि साउथ मतलब अग्नि, और अगर अग्नि में पानी का कनेक्शन है तो आपकी फैमिली लाइफ, आपका यश, ये सारी प्रॉब्लम खराब हो सकती है। साउथ में आपको क्या करना चाहिए, साउथ में आपको बेडरूम या ड्राइंग रूम बनाना चाहिए। साउथ में ऐसे जने का कमरा होना चाहिए जिसे लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए। अब सपोज आपको पता चल ही गया है कि आपके साउथ में प्रॉब्लम है, तो मैं आपको प्रॉब्लम बताने तो नहीं आती, मैं तो आपको सोल्यूशन देने आती हूँ। तो अपने साउथ में क्या करें ये ध्यान से लिखिए। साउथ में रेड फीनिक्स या रेड फीनिक्स का पोर्ट्रेट लगाएं, कोई मुश्किल चीज नहीं है, गूगल पे सर्च करें, मिल जाएगा। रेड फीनिक्स एक पंछी होता है, उसका पोस्टर लगा देना है, ये आपके यश को उड़ा लेगा, क्योंकि हमने साउथ को ऊंचे उड़ने वाले पक्षी की हाइट दे दी। इस डायरेक्शन में आप अपने सर्टिफिकेट्स और मेडल सजाएं। कैसे सजाएं? रेड बैकग्राउंड, रेड चार्ट पेपर के ऊपर, ताकि आपका यश बढ़ने लगे। अपने सिरहाने आप पास में जल रखकर सोएं और सुबह पौधों में डाल दें, इससे भी आपके दोष कम हो जाएंगे। वाटर एलिमेंट साउथ डायरेक्शन से हटा दें, कोई फाउंटेन हो, कोई पानी का मोटर हो, ये सारी चीजें हो तो हटा दें। अगर नहीं हट सकती हैं तो वाटर एलिमेंट के ऊपर हरे रंग का कपड़ा या कोई चीज ढक दे, ताकि आपके यहाँ पर इस एनर्जी को हम बैलेंस आउट कर दें। अब ये गुड़ कैसे आपके मंगल ग्रह को और आपके यश को स्ट्रॉन्ग करेगा सुनिए। आप मंगलवार को व्रत रखें और दिन में एक बार सिर्फ गुड़ और गेहूं खाएं, यानी कि आप गुड़ वाली रोटी खा सकते हैं। आप लगातार ये उपाय करें और अगर 21 मंगलवार तक आप ये करते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा, आप सोच भी नहीं सकते आपको कितना फायदा होगा। आप एक काम और कर सकते हैं, आप हर दिन, मतलब आपको ट्यूजडे से शुरुआत करना है, लेकिन हर मंगलवार आपको शक्कर 2 चम्मच भर कर खानी है। कब? सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में। आपका मंगल स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर आप अपने घर में साउथ डायरेक्शन में शक्कर या गुड़ रखते हैं और वहीं से तोड़कर खाते हैं,
तो आपके रिजल्ट 10 गुना ज्यादा जल्दी स्ट्रांग मिलेंगे। मंगलवार को आप लाल कपड़े पहने, आप देख ही सकते हैं मैंने तो आज लाल कपड़े पहने। मंगलवार को लाल कपड़े पहने और हनुमान मंदिर में जाकर लाल फूल चढ़ाएं, आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मंगलवार को भिखारी को चाय पिलाएं, मतलब कोई भी आपको बेगर दिखता है उसको ले जाकर पैसे नहीं देने हैं, उसको चाय पिलानी है, आपका मंगल ग्रह स्ट्रांग होगा। लेमन राइस बनाकर दान दें, लेमन राइस सुनकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है, आपके भी आ रहा होगा, लेकिन ये खाने नहीं है, ये आपको किसी को खिलाने हैं, तो जो चीज देनी है उसका ग्रहण नहीं करना है। मंगलवार को सोने या कॉपर में बनी हुई रेड कोलर कोरल रिंग यानी कि लाल मूंगे की रिंग सोने में या कॉपर में बनी हुई आप पहन सकते हैं। पहन नहीं सकते तो फिर आप इसको पानी में डुबोकर कॉपर के वेसल में डालकर इसका पानी ग्रहण करें। और क्या कर सकते हैं, आप 3 मुखी या 6 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, लाल कपड़े पहने, कॉपर गेहूं घी चंदन का दान करें, लाल ग्रह यानी कि मंगल ग्रह से रिलेटेड आप दान सूर्यास्त से 48 मिनट के अंदर अंदर पहले कर लेते हैं तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मंगल ग्रह को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है सुनिए, मसूर की दाल भी अगर आप किसी धर्म स्थान पर चढ़ाते हैं तो आपका मंगल ग्रह स्ट्रांग होता है, आपकी अपने भाइयों से बढ़ने लगती है। अगर आपकी अपने भाइयों से नहीं बनती है, भाइयों के साथ लिटिगेशन का केस चल रहा है, तो ध्यान से सुनिए ये सारे उपाय आपको करने हैं। ओम मंगलाय नमः मंत्र का जाप करें, आप मंगल स्त्रोत्र और हनुमान जी के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं, भाई आपके साथ एकजुट हो जाएंगे। भाई छोड़िए, अगर कोई बहुत क्लोज फ्रेंड है जिसको आप भाई जैसा समझते हैं उसके साथ भी रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। आप जानते हैं आज मैं आपकी मुलाकात किससे कराने वाली हूँ, उनसे कराने वाली हूँ जो है बहुत स्ट्रांग बॉडी बिल्डर। जी हाँ, दिशुम दिशुम ही है उनका काम, कौन है वो आप सोचते रहिए, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं ब्यूटी टिप्स बताने से। जानते हैं आज मैं आपकी मुलाकात किससे कराने वाली हूँ, उनसे कराने वाली हूँ जो है बहुत स्ट्रांग बॉडी बिल्डर। जी हाँ, दिशुम दिशुम ही है उनका काम, कौन है वो आप सोचते रहिए, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं ब्यूटी टिप्स बताने से। दही जो हम खाते हैं वो ना सिर्फ हमारे स्टमक के लिए अच्छी है बल्कि हमारी स्किन के लिए भी अच्छी है। आप क्या कर सकते हैं दही के साथ ताकि आपकी स्किन पर आ जाए निखार, ग्लो, क्या करना है सुनिए। खीरे को आपको कद्दूकस कर लेना है और उसमें आपको दही को मिलाना है। इतना सिंपल है कि आप किचन में काम करते करते भी कर सकते हैं। बस इसको चेहरे पर लगा दीजिए 15 मिनट के लिए और पानी से साफ कर लीजिए, आपकी स्किन के सारे छोटे छोटे दाने दूर हो जाएंगे और आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी। और सुनिए, आप ओट्स ले लीजिए, वो जो खाने वाले प्लेन ओट्स होते हैं, वो मसाला ओट्स नहीं जिसमें हल्दी मिर्ची मिली हो, तो प्लेन ओट्स आपको लेने हैं, उसमें शहद और दही मिलानी है, ओट्स का पाउडर लेना है, शहद और दही मिलानी है, चेहरे पर हल्की मसाज करनी है 10 मिनट तक, छोड़ देना है और चेहरा साफ कर लेना है। किसी भी पार्टी पे आप जा रही हैं, डेट पर जा रही हैं या हस्बैंड डिनर पर लेकर जा रहे हैं, आपके चेहरे से उनकी नजर नहीं हटेगी। मेरे साथ बने रहिए क्योंकि आज मैं आप ही की प्रॉब्लम का सलूशन देने वाली हूँ। जी हाँ, फैमिली गुरु हेल्पलाइन अभी आगे है, लेकिन पहले मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ किससे, बताइए यस किया आपने, कौन है वो दिशुम दिशुम वाले। आज मैं आपकी बाद मुलाकात जिनसे कराने वाली हूँ, 2011 में बने थे मिस्टर इंडिया, कई रियलिटी शोज में उन्होंने किया पार्टिसिपेट। तो हमारे साथ है संग्राम सिंह, मशहूर रेसलर। संग्राम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच जी। संग्राम सिंह की तरफ से आप सभी को तहे दिल से नमस्कार, सभी को राम राम और स्वागत आप सबका। संग्राम, जब मैंने आपके बारे में पता लगाया, हमें पता चला कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो मैंने आपके बारे में चीजें निकालनी शुरू करी और हमें पता चला कि आप बचपन में बहुत बीमार रहे, आपकी तबीयत बहुत खराब रहती थी, तो इतनी आपने मुश्किलें देखी अपने बचपन में, तो ये इंस्पिरेशन रेसलर बनने की या इतनी अच्छी बॉडी बनाने की आपको किस तरह से ये चीजें दिमाग में आई? एक्चुअली क्या हुआ कि मैं जहाँ से नॉर्थ से हूँ वहाँ पे मोस्टली सभी रेसलर हैं हरियाणा में अपने, और बाकी तो कोई खेल ऐसा मतलब था नहीं कि बाकी किसी खेल कर सके। एक लंगोट था जो 10 रुपए का आता था, 10-12 रुपए का, कभी मेरी माँ सील देती थी, तो मेरा बड़ा भाई भी रेसलिंग करता था, सभी रेसलिंग करते थे। सोचा यार मुझे भी अखाड़े में जाना चाहिए, रेसलिंग करनी चाहिए। संग्राम, आप बचपन में इतना बीमार रहे, फिर आपने इतनी अच्छी बॉडी बनाई, आप मिस्टर इंडिया भी बने, उसके बाद आप बिग बॉस में भी आए, कई कॉन्ट्रोवर्सीज में भी आए,
तो आपके लिए इन सब में से सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कौन सा रहा, या इनके अलावा कोई और आपका टर्निंग पॉइंट रहा, ये हमें बताएं प्लीज। जब मेरा पहली बार नेशनल मेडल आया तो मेरा पूरे गांव वालों ने फिर मेरा स्वागत किया, मुझे फिर घी दिया तकरीबन 1000 kg, फिर दूध दिया और पैसे भी दिए, तो फिर तैयारी की, टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद फिर इंडिया के लिए पहली बार खेला तो टर्निंग पॉइंट था। संग्राम, हमें ये भी बताएं कि इंडस्ट्री में पैर जमाने के लिए आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा। संघर्ष सबको करना पड़ता है। अगर मैं रेसलिंग से उससे आया तो मुझे रियलिटी शो इन सब ने अप्रोच किया, बाकी से थोड़ा कम हो गया। मगर मैं बिलीव करता हूँ कि कोई भी काम ईमानदारी से करो, सच्चाई परेशान सकती पराजित नहीं। देखा आप सबने, संग्राम ने हमें कितना अच्छा और कितना सिंपल मैसेज दिया, वो ये कि हमें ईमानदारी से काम करते रहना चाहिए। सच्चाई परेशान हो सकती है लेकिन पराजित नहीं। तो अगर आपकी कश्ती डगमगा रही है और आप सच्चे हैं तो जमे रहिए, क्योंकि आखिर में हार आपकी नहीं होगी। अब वो तरीका जान लीजिए जिससे आप और हम बातचीत कर सकते हैं। सबसे पहले आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है familyguru@itvnewsindia.com। इस आईडी पर आप अपनी प्रॉब्लम 150 वर्ड्स में मुझे लिखकर भेज दीजिए, साथ में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ। अगर ये नहीं है तो आप अपनी हैंडराइटिंग की फोटो, हथेलियों की फोटो और तस्वीर हमें जरूर भेज दें। और अगर आप चाहते हैं हम ये टेलीविजन पे ना दिखाएं और सिर्फ आपका नाम लेके प्रॉब्लम बताएं, तो हम वो भी कर सकते हैं, बस आप मेंशन कर दीजिएगा। आज हम कानपुर से शक्ति गुप्ता का सवाल लेते हैं। शक्ति को सीए पढ़ना है लेकिन वो उतना कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि उनकी तबीयत खराब रहती है, इसका असर उनकी पढ़ाई पर, उनकी स्टडीज पर पड़ता है। शक्ति ये भी जानना चाहते हैं कि उनकी इष्ट कौन है और उन्होंने अपनी डिटेल्स, अपनी डेट ऑफ बर्थ पिक्चर हमें दी है। शक्ति, आप अपनी सिग्नेचर्स दाई तरफ ऊपर की ओर करके करें, इस तरह से ऊपर की ओर करके करें। नॉर्थ में बैठकर आपको पढ़ाई करनी है और ईस्ट की ओर मुंह करके पढ़ाई करनी है, ये आप किसी तरीके से मुमकिन करें। सोने और चांदी की घड़ी, मतलब सोने और चांदी की नहीं बनवानी है, गोल्डन एंड सिल्वर मेटल की घड़ी आपको अपने राइट हैंड में पहननी है। और आपके इष्ट हैं शिव जी, आप अपने कोशिश करते रहिए, डटे रहिए, आपके एग्जामिनेशन जरूर क्लियर होंगे। चलिए आप जानते हैं आज का मैजिक मंत्र। यू कांट चेंज हाउ पीपल ट्रीट यू और व्हाट दे से अबाउट यू, ऑल यू कैन डू इज चेंज हाउ यू रिएक्ट टू इट। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, आप ये वाकई नहीं बदल सकते। सब कोशिशें करने के बावजूद भी आप किसी की सोच और जबान कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज है जो आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आप उनको रिएक्शन देने का तरीका बदल दें। यानी कि बजाय इस तरह से कि आप गुस्सा हो, इरिटेट हो, उनको इग्नोर करें, उनकी एग्जिस्टेंस को अपने लिए नॉन एग्जिस्टेंट कर दें। सबसे बड़ा बुरी चीज जो किसी को लगती है होती है इग्नोरेंस, तो इग्नोर करें और आप इस सिचुएशन से ऊपर उठ जाएंगे। चलिए अब कल का अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं। कल मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप सामने वाले को अपनी बातचीत से कैसे इम्प्रेस कर सकते हैं, आपकी आवाज कैसे दमदार बन सकती है, कैसे सामने वाला आपका फैन बन सकता है। मैं आपको बताऊंगी पैसा लाने के 4 अचूक उपाय। आपकी जेब, आपकी दुकान, आपका घर रहेंगे मालामाल। आपकी परेशानियां, पढ़ाई में मन ना लगना, टेंशन होना, स्ट्रेस होना, इनको भी दूर करने वाले उपाय बताऊंगी, लेकिन ये सारी चीजें कल। तो कल सही समय पर हमें देखिए, अपनी प्रॉब्लम्स का सारा सलूशन जानिए। कल इसी समय फिर मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।